वैसे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ की क्या बात है बहन, इसमें ये तो हमारी खानदानी रवायत है। बेटियों के घर हम खाली हाथ नहीं जाते। इस घर में जब भी आएंगे इसी एहतमाम के साथ आएंगे इंशाल्लाह। बहन जी, आपका अपना घर है, जब मर्जी आए, लेकिन ये नाश्ता कुछ ज्यादा नहीं ले आए? हम तो घर में सिर्फ 5-6 लोग हैं जी। वो हमारे यहाँ रिवायत है, जब भी घर की बेटी के घर जाते हैं तो 50-60 लोगों का नाश्ता लेके जाते हैं जी। ऐसे ही है, अभी तो किरण को गाड़ी देना बाकी है। खैर से वलीमा हो जाए, फिर मैं जरबा बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगी शोरूम। जिस गाड़ी पे हाथ रखेगा वही गाड़ी दिलवाऊंगी उसे। मम्मा, हाय मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रही हो? जरबाब ने कुछ कहा है? अरे जरबाब की मजाल है जो इसे कुछ कहे। मुझे लगता है आपको देख के तो भी जज्बाती हो गई है। क्या हुआ? मैंने आप लोगों को बहुत याद किया। हाय मेरी जान, मामा सदके। अब तुमने अपनी माँ को याद नहीं करना, यही तुम्हारा घर है, जरबाब के साथ ही तुमने जिंदगी गुजारनी है। क्यों जरबाब बेटा? नहीं, अब मैं आपके साथ घर जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ। So sweet, मेरी जान, मेरी डार्लिंग बेटी, मेरे साथ ही तुम जाओगी। अभी तुम नाश्ता कर लो, फिर तुम मेरे साथ चलना और वहीं से पार्लर चले जाना। वलीमे के लिए वहीं से तैयार होके हम सब हॉल जाएंगे। क्यों बहन, ठीक कह रही ना? ऐसे सही रहेगा ना? जी जी बिल्कुल, चले ना, नाश्ते के लिए देर हो रही है, आइए। एक्सक्यूज मी, आपको याद है मैंने उस दिन आपको अपना तारुफ करवा दिया था, अब आपकी बारी। आप भाभी की दूर की कोई रिश्तेदार हैं या आप करीबी? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में। क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि आप इतनी उदास क्यों रहती हैं और इतनी खामोश क्यों? आपको मेरे बारे में कुछ भी जानने या सोचने की जरूरत नहीं है। I'm sorry अगर आपको बुरा लगा हो तो। वैसे आपका नाम बिल्कुल आपकी तरह है, उजाला और शफाफ। जुहेब बाजू, सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं नाश्ते पे। क्या बातें कर रहे थे तुम इसके साथ? कुछ नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाभी की क्या लगती है? नहीं, कोई कजन की कजन लगती है। तुम इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? कैसी बातें कर रही है, मैं कहाँ इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। मतलब इसको कहते हैं शादी। धूमधाम से शादी करने से पूरी दुनिया को पता चलता है कि कितनी खुशी से कोई रुख्सत करके लेके जा रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपनी बेटी को शान से रुखसत किया है। खुदा का शुक्र है कि सब खैर खैरियत से हो गया, किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई, कोई बदमस्की नहीं हुई। ये सब पैसे की वजह से मम है ना अंकल? हाँ, शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं। भाई साहब, बात होती है दिल की और अरमानों की ना। पैसा तो सबके पास ही होता है लेकिन खर्च कोई कोई करता है। जी शायद आप सही कह रहे हैं, हम लोग दिखावे और शादी की फजूल रस्मों के खिलाफ हैं।
आप लोगों के इसरार की वजह से हम राजी हो गए, वरना हमारे यहाँ ऐसे शादियां नहीं होती। भाई साहब, इसमें ऐसी कौन सी कोई बुराई की बात थी? मेरे खानदान वाले तो बहुत खुश थे, बल्कि एक एक बंदे ने आके तारीफ की थी कि बहुत अच्छा इंतजाम, बहुत अच्छी शादी, सबने इतना एंजॉय किया। मेरे ख्याल से आप लोग भी वलीमा वैसा ही करेंगे। वैसे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सब तो खराफात है। मैं तो खुद इन चीजों के बहुत ज्यादा खिलाफ। अगर मेरी बेटी हुई तो उसकी शादी बिल्कुल इस्लामी तरीके से करूंगा मैं। ये जहेज वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बल्कि प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दूंगा। और उसके शोहर से कहूंगा कि लो जी, ये अमानत ले जाओ और सादगी के साथ निकाह कर लो। और अगर बेटा हुआ तो फिर भी उसकी बीवी से ये जहेज जैसी लाना तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा। वाह सुबह, क्या बात की है। कल को जब तुम्हारी बेटी की शादी होगी और उसे बिना जहेज के ससुराल भेजोगे तो फिर मैं देखूंगी तुम्हें कितने ताने सुनने पड़ेंगे। मांटिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो शुरू करना पड़ेगा ना सब कुछ। मेरे बेटे ने बहुत अक्लमंदी की बात की है, काश हमारे मुल्क के लोग ये बातें समझ सके। शादी की फजूल रस्मों पर बेपनाह खर्चा करते हैं भाई, इससे अच्छा तो ये है कि वही पैसा किसी को डोनेट कर दे, फलाही अदारे को, किसी के काम आएगा। क्यों बहन? नहीं भाई साहब, मैं तो मुत्तफक नहीं हूँ। शादी तो जिंदगी में एक बार होती है, बंदा धूमधाम से ना करे, अपने अरमान पूरे ना करे तो क्या फायदा फिर जीने का। अरे आप लोग कुछ लेना कुछ लिया ही नहीं है, प्लीज। बड़ा खूबसूरत घर है कसम से, इतना बड़ा लॉन, मेरी तो आंखें थक गई देख देख के। बैठ जा, तेरा कमरा तो बड़ा अच्छा सेट होगा, लेकिन बाकी सामान कहाँ है? वो कुछ सामान मैंने लाउंज में रखवा दिया था, बेडरूम में पूरा ही नहीं आ रहा था। ये अच्छा किया तुमने। अच्छा है, पूरी जिंदगी ससुराल में ऐश करोगी तुम, इतना जहेज लाई हो, हमेशा जहेज के रूप में रहना तुम। अच्छा ये बताओ, बाकी रिश्तेदारों ने सलामी में क्या दिया? सलामी? बड़ी कंजूस है वैसे इनके खानदान वाले, मतलब 5,000 से मजाल है किसी ने 1 रुपया भी ज्यादा दिया हो सलामी के नाम पर। मुझे भी कंजूस लग तो रहे हैं, लेकिन एक बात है, जेवर तुम्हें बड़े अच्छे चढ़ाए हैं इन्होंने, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, बहुत अच्छे भारी भारी सेट हैं। सुनो, इन लोगों को मत देना, अपने पास रखना, बल्कि बैंक में अपने नाम का लॉकर खुलवाओ। तुम्हें लगता है मैं इतनी अच्छी हूँ कि इनके हाथ में कुछ दूंगी? जब आपसे कह दिया मैंने, कल ही जाकर अपना लॉकर खुलवाऊंगी। अच्छा तुझे याद है ना, चौथी की रस्म के लिए भी आना है। हाँ हाँ सब याद है, लेकिन अभी तो तू अपने वलीमे का जोड़ा उठा, बाकी सामान पैक कर, चल मेरे साथ। इतना सस्ता सा घटिया वलीमे का जोड़ा बनवाया मेरा? क्यों, तुमने अपनी पसंद से नहीं बनवाया था? पसंद तो मैंने ही किया था, लेकिन ले गए मुझे किसी और डिजाइनर के पास। अल्लाह, पैसा तो इतना है और वैसे इतने कंजूस हैं, हद है भाई। बहुत ही कंजूस हैं। अभी सुना नहीं था वो बुड्ढा कितनी किलकिल कर रहा था? दोनों मियां बीवी हर वक्त चिक चिक करते रहते हैं, सादगी और कनात, पता नहीं क्या क्या लेक्चर झाड़ते रहते हैं। वैसे उनकी वो बेटी फायजा हर वक्त अपने मैके में पड़ी रहती है भाई, ससुराल जाने का नाम ही नहीं लेती। क्या फायदा इतनी जायदाद और दौलत का जब इंसान अपनी मर्जी की जिंदगी भी ना गुजार सके। ओहो, इतनी फिक्र क्यों कर रही है तू? सारी जिंदगी तूने यहीं थोड़ी रहना है। इतनी जायदाद है, तेरे शौहर का अच्छा खासा हिस्सा होगा, बस कुछ अरसा सब्र कर ले, तो बच्चे होंगे, शौहर को लेना और अलग घर में चली जाना। क्यों परेशान हो रही है? सच कहूं तो पुराने घर में जाने का मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं है। हेमा तू तो फिक्र ही ना कर, तुझे तो मैंने यहाँ अपने पास ले आना है, बस एक बार वो बख्तियार भाई और उनकी बीवी वो वापस पुराने घर में चले जाएं। मुझे यहाँ ले आएगी, लेकिन तेरे ससुराल वालों का एतराज नहीं होगा? मेरी जूती को भी परवाह नहीं, मुझे फिक्र है तो सिर्फ अपने शौहर की।
और जरबाब वो तो वैसे ही मेरे कायल हैं, मेरी बात नहीं टालते। ये तो है। अच्छा ये बता मुंह दिखाई में क्या मिला? मुंह दिखाई में ये रिंग दी है मुझे डायमंड की। बस रिंग बटन खा दिया, कमाल है। सास ससुर देवर ने कुछ नहीं दिया? देना तो दूर, यहाँ तो मेरा किसी ने अच्छे से इस्तकबाल तक नहीं किया। तुझे पता है गाड़ी से उतार कर सीधा मुझे बेडरूम में लाकर बिठा दिया इन लोगों ने, ना कोई रस्म ना कोई रिवाज, और तो और किसी ने बुरे मुंह से खाने तक का नहीं पूछा मुझसे। हाँ? किसी रस्म और रिवाज का कुछ नहीं पता इन लोगों को? बड़े खानदानी बने फिरते हैं। पता सब कुछ है, पैसा भी है, बस दिल के कंजूस हैं। मैं तो शुक्र करती हूँ खुदा का कि जरबाब ऐसे नहीं है, वरना मेरी तो जिंदगी तंग हो जानी थी। सच्ची अल्लाह की कसम, शुक्र है दामाद तो मुझे अच्छा मिला है, ऐसा मिला जैसा मैं चाहती थी। ताबेदार सादतमंद बीवी का गुलाम, या अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख। अल्लाह मियां तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे बस। आमीन। ये स्विमिंग पूल में पानी कहाँ से आ रहा है? आता होगा कहीं से, कोई सिस्टम होगा इनका। अच्छा ये बता ये नीला कैसे है? मुझे भी एक ही रात हुई है यहाँ आए हुए, इतने सवाल कर रही है अम्मा तू भी। ये आ जाए आ जाए, चाय तो पियेंगे आप लोग। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है प्लीज, अब रहने दो। मैं तकल्लुफ की क्या बात है, ये तो मेहमान नवाजी है। अब आप लोग घर में मेहमान बन के आए हैं तो इतना फर्ज तो बनता है ना हमारा कि आपकी मेहमान नवाजी की जाए, खातिर मुतहरत की जाए आपकी। बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने सुना है तुम तो बाहर होते हो ना, तो ये सब कैसे कर लेते हो? थैंक यू। बाहर से आया हूँ लेकिन गया तो यहीं से था ना मैं। आने जाने से याद आया कि मुझे चाय बहुत अच्छी बनानी आती है और खाना भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ मैं। आप लोग दोबारा आएंगे तो मैं अपने हाथ की चाय बना के पिलाऊंगा आप लोगों को। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे जो भी तुम्हारी दुल्हन बनेगी वो तो बहुत ही खुश नसीब होगी, जिंदगी आराम से गुजरेगी उसकी तुम्हारे साथ। अच्छा आपको लगता है कि ये छोटी छोटी बातों से आने वाली दुल्हन खुश हो जाएगी? ये छोटी छोटी बातें, बल्कि यूं कहिए कि छोटी छोटी खुशियां तो जिंदगी का असल रंग होती हैं। ऐसी बेतहाशा खुशियां मैंने बचा के रखी हुई है अपनी आने वाली दुल्हन के लिए। आप बच्चों को बुलवा देंगे, टीवी देख चुके होंगे वो। बच्चे वो गेम खेल रहे हैं ना, उनके पापा भी साथ ही हैं उनके, तो जब फ्री हो जाएंगे तो फिर आप चले जाना उनके साथ, बल्कि मैं उनको बुला दूंगा उस वक्त। फिर अरे अब मैं जलना चाहूंगी। अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं आप? बस खाना तैयार है, खाना खाकर ही जाइएगा। खाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, हमने नाश्ता बहुत हैवी कर लिया था। भाई भाभी पहले ही चले गए थे, मम्मा को मैंने रोक लिया था, मेरे साथ जाएंगी। कोई बात नहीं, आपका अपना ही घर है ये, जब चाहे आ जाया करें। इनसे मिलिए, ये हमारे दामाद हैं यावर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। अच्छा अब हम चलते हैं, मैं किरण को साथ लेकर जा रही हूँ, वलीमे में मुलाकात होगी। जी जी जरूर। क्या बात है किरण, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? शुक्र है आपको, बहू का मूड ऑफ नजर तो आया। क्या हुआ बेटा? साहिर है
नई नवेली दुल्हन का इतना ठंडे तरीके से इस्तकबाल किया गया है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आ सकती है? अरे बहन आप नाराज ना हो, दरअसल बहन रात को मेरा बीपी शूट कर गया था, इस वजह से हम बहू का अच्छे से इस्तकबाल नहीं कर सके, माजरा चाहते हैं। लेकिन भाई साहब आप जैसे खानदानी लोगों से मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी। बड़ी बहू का तो बड़ी गर्म जोशी से इस्तकबाल किया जाता तोहफे तहाइफ के साथ, और यहाँ मेरी बेटी को सरबाब के सिवा किसी ने मुंह दिखाई में कुछ दिया ही नहीं। आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी हमारे घर में बेटी बनकर रहेगी। भाई साहब मैंने तो अपनी बेटी बड़े भरोसे के साथ आप लोगों को सौंपी है। चलें। जी, चलें। आइए। चल। हेलो, तुम्हें मेरा ये नंबर भी मिल गया? तुम मुझे बार बार फोन करते क्यों हो? तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता हूँ मैं उजाला, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। अपनी बकवास बंद कर, अगर आइंदा मुझे फोन किया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। जिसको फोन करना है कर लो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। सिर्फ एक बार मुझसे मिल, एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दो, अगर नहीं दिखाओगी तो इसी तरह बार बार तुम्हें तंग करता रहूंगा मैं। उजाला, जब से ये तुम मोहल्ला छोड़कर गई हो ना, कसम से
कसम से कहीं दिल नहीं लगता मेरा, ना भूख लगती है ना नींद आती है। यकीन करो हर वक्त तुम्हारे ही ख्यालों में डूबा रहता हूँ मैं। प्लीज प्लीज मुझे एक बार अपने घर का पता बता दो। खुदा की कसम अम्मा को लेकर फौरन तुम्हारे रिश्ते के लिए तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा मैं। उजाला, मैं सच्ची मोहब्बत करने वालों में से हूँ, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा। एक और बात, अभी तो सिर्फ तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, दीवाना पन है। मोहब्बत? मोहब्बत का तो तुम नाम भी मत लो, पहले औरत की इज्जत करना सीखो। अगर आइंदा मुझे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन था ये? कौन? जिसे पुलिस की धमकी दे रही थी। आप जानकर क्या करेंगे? ऐसे लोगों को ठिकाने लगाना मुझे अच्छी तरह से आता है। आप नंबर दें। ये आपका मसला नहीं है जुहैब। मैं तो आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। और आप मेरी हेल्प क्यों करना चाह रहे हैं? शुक्र है कि सब कुछ साथ खैरियत के साथ हो गया। भाभी की अम्मी को खाना नहीं पसंद आया था। हाँ भाई, वो तो बहुत ही अजीब गरीब खातून है, हर चीज में नुक्स निकाल रही थी। खाना ठंडा है, गरम करवा दो, जायका नहीं है, गर्मी बहुत लग रही है, एसी ऑन करवा दो। बहुत ही अजीब सी खातून है, मैं तो खुद तंग आ गया था। अच्छा, अगर तुम्हारी सास भी ऐसी हुई तो? मेरी सास ऐसी नहीं होगी। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसकी अम्मी भाभी की अम्मी की तरह हिटलर नहीं होगी। तो फिर हम एक काम करेंगे, तुम्हारी शादी किसी यतीम या मिस्कीन लड़की से कर देंगे जिसके आगे पीछे कोई ना हो। अरे वाह अम्मी, आपने तो इसका मसला ही हल कर दिया। ये तो पहले से ही यतीम और लावारिस लड़की पसंद कर चुका है। क्या मतलब? अब बनो मत, सीधी तरह सबको बता दो वरना। बता दूंगा आप ही, लेकिन पहले ये तो पता लगने दे कि उस लड़की को भी मुझ में इंटरेस्ट है या नहीं है। कोई पागल ही होगी जो तुम्हें रिजेक्ट करेगी, और जिस लड़की को तुम पसंद कर रहे हो वो तो ये सुन के ना भंगड़े डालेगी, बल्कि उसको तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। आप ही सोच समझ के मजाक किया करें, कैसी बातें कर रही हैं आप। जुहैब, सीधी तरह सबको बता दो कि तुम किस लड़की में इंटरेस्टेड हो। क्या क्या कह रही हो तुम? कोई मुझे भी बताएगा किस लड़की के बारे में बात हो रही है? अम्मी किसी लड़की की बात नहीं कर रहे। अच्छा, वाकई कोई नहीं है? आप ही प्लीज, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और प्लीज ये मेरी जासूसी करना छोड़ दें आप। ये
किसी यतीम लड़की को लावारिस कहना ये नामुनासिब अल्फाज हैं। आप भी प्लीज सोच समझ के बोला करें। यतीम होना कोई इंसान की अपनी गलती थोड़ी है, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी होती है। सोच समझ के बोला करें यार। से क्या हुआ? बन रहा फजूल में। तुम मजाक कर रहे थे। अगर आप तैयार हो चुकी हैं तो नीचे पहुंच जाइए। मैं अकेली कहीं नहीं जा रही, आप रेडी हो जाएं तो हम साथ में जाएंगे। सब वेट कर रहे हैं हमारा। कोई हमारा इंतजार नहीं कर रहा। मेड आई थी बैटी देने के लिए, उसने बता दिया है कि जुहेब ऑलरेडी ऑफिस जा चुका है और आप अभी ससुराल जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ जल्दी उठा कीजिए। हमारे यहाँ जल्दी उठने का रिवाज है और 8 बजे सब खाने की टेबल पर होते हैं। लेकिन मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। कल से मैं अपना ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगवा लूंगी। कमरों में खाने का रिवाज नहीं है। और प्लीज अब ये बात अम्मी अब्बू के सामने मत कर दीजिएगा, वो पहले ही नाराज हैं आपसे। मेरी वजह से? तो मैंने ऐसा क्या किया कि उनका मूड खराब है? देखिए, आपको 2 दिन हुए इस घर में आए, आते ही गिले शिकवे बढ़ने लगे हैं, तो आने वाले वक्त में झगड़ों की सूरत अख्तियार कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अभी से समझ जाना चाहिए कि रिश्तों को चलाने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली, ये बात जितनी जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स को समझाएं, मुझे नहीं, जिन्होंने मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। आपकी अम्मी ने भी कुछ खास अच्छा सलूक नहीं किया था। शादी के दिन करोड़ों का हक मेहर कौन मांगता है? सबका मूड खराब कर दिया। छोड़े ना ये सब, मुझे ये बताएं कि हम हनीमून पे कब जा रहे हैं। फिलहाल तो नहीं, चलेंगे 2-3 माह बाद दुबई। क्या मतलब है 2-3 माह बाद? फैक्ट्री का पीक सीजन चल रहा है यार। तो फिर ठीक है ना, एक काम करते हैं कि कहीं जाते ही नहीं, 2-3 माह बाद भी जाने की क्या जरूरत है, हम यहीं रहते हैं। अच्छा ओके, हम चले जाएंगे। कुछ अम्मी, जुहेब किरण की कजन उजाला में इंटरेस्टेड है, पता है आपको? क्या वो यतीम और मिस्कीन लड़की? अम्मी, यतीम और मिस्कीन होने में क्या मसला है? तुम चुप रहो। अम्मी, ये बात मुझे कल पता चली है। बहुत दिनों से मुझे इन दोनों पर शक था, और अम्मी आपको पता है कल मैंने जुहेब को इजहार मोहब्बत करते अपनी आंखों से देखा है। अम्मी होशियार रहिएगा, उस घर से एक लड़की लाकर आप लोग पछता रहे, अगर दूसरी भी उस घर से आ गई ना तो अम्मी ये घर घर नहीं रहेगा, मैदान जंग बन जाएगा। जुहेब से मुझे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। मेरे सामने उस लड़की का नाम लेकर तो देखे जरा, जैसे तैसे मैं किरण को बर्दाश्त कर रही हूँ और अब मैं उसी घर से दूसरी बहू लाऊं, ये हरगिज हो ही नहीं सकता। जी मशकूक से लोग हैं, ना खानदान का पता, ना रिश्तेदारों का पता, और शादी में तो उनका कोई सगा रिश्तेदार नजर तक नहीं आया। हाँ मैं, कितना अजीब सा लोग है ना। आपको पता, किरण ना अपनी दाई को दादी कह रही थी, और उसके भाई बख्तियार अपनी अम्मी को कभी मॉम बोल रहे थे, कभी माँ बोल रहे थे, और कभी अम्मा बोल रहे थे। मुझे तो ये लोग एक नंबर के फ्रॉड लगते हैं। ये स्टाइल, ये मॉडर्न, ये सब ड्रामा है। कुछ पैसे शायद इन लोगों के पास आ गए और ये अपने आप को ही भूल बैठे हैं। नहीं, अभी थोड़ा आराम से बोले, भाभी ने अगर सुन लिया क्या सोचेंगे। कहीं जा रही हो? मैं नाश्ता लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं अपनी मॉम की तरफ जा रही हूँ, वहीं कर लूंगी नाश्ता। अकेले जा रही हो? जरबाब कहाँ है? जरबाब वो थोड़ा काम में बिजी हैं,
कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। लेकिन ड्राइवर तो अब्बू को ऑफिस लेके गए हुए हैं। आप सुहेब भाई भी नहीं है वरना वो छोड़ देते आपको। कोई बात नहीं, फिर मैं टैक्सी में चली जाती हूँ। क्यों, ड्राइविंग नहीं आती तुम्हें? वो क्या है ना, ड्राइविंग सीखने की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की। मेरे महके में दो दो ड्राइवर्स थे तो मुझे लगा नहीं कि मुझे ड्राइविंग सीखनी चाहिए, लेकिन लगता है कि अब मुझे ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी क्योंकि इस घर में तो एक ही ड्राइवर है ना, कभी वो किसी काम से चला जाता है और कभी वो कहीं निकल जाता है। कोई बात नहीं, मैं सीख लूँगी ड्राइविंग अब। अम्मी इस तरह शक्ल देखी दो दो ड्राइवर्स रखने की, कितनी बदतमीज लड़की है, से बात करने की तमीज नहीं है। मुंह उठाकर चली गई अपने मैके, ना दुआ ना सलाम। अम्मी ये किसकी इजाजत से जाती है, आप जरबाब से पूछती क्यों नहीं है? कैसे पूछूं मैं जरबाब से बेटा, बुरा लगता है। अभी आए हुए दिन ही कितने हुए ऐसे, वो कहेगा कि आते ही बहू की शिकायतें शुरू कर दी। सब्र से काम लो, इन बातों के लिए बहुत वक्त पड़ा है। सब आप लोगों की गलती है, लोगों ने इतनी बदतमीज लड़की जरबाब के सर पर मुसल्लत कर दी है। हमने मुसल्लत नहीं किया उसको सर पे, वो अपनी पसंद से उसे ब्याह कर लेकर आया है। अम्मी आप लोगों का कसूर है, लड़की देखने गए और आप लोगों ने हाँ कर दी, ना छानबीन करवाई कैसा खानदान है क्या है। मेरी शादी करते हुए आप लोग ने कितना केयरफुल थे, वो लोग आए हम लोग गए तो ही रिश्ता हुआ था ना। फायदा क्या हुआ, असलियत तो बाद में खुलकर आ गई ना उन लोगों की। अम्मी आप मेरे ससुराल वालों को इन जाहिल और बदतमीज लोगों से मिला रही है। अम्मी माना वो लोग लालची लोग हैं, लेकिन ऐसे बदतमीज और बदतहजीब लोग बिल्कुल भी नहीं है वो। आप ही अरे इसको छोड़, पहले मुझे हिसाब करके दे। अम्मा 40 लाख रुपया खर्च हो चुका है अब तक इस शादी पे, बाकी मुलाजमों का और सामान का और गाड़ी का अलग। ये काटो इसमें से, ये जो है। कहां से काटूं, पूरे पैसे एक एक हिसाब ठीक लगाया है मैंने, खुदा की कसम अम्मा हराम होगा एक पैसा भी मैंने अपने ऊपर खर्च किया हो। जो चीज चाहे देख लो, हर चीज की पर्ची और रसीद है मेरे पास, कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया मैंने अभी तक, सारे पैसे खत्म होते जा रहे हैं। जो इस घर में जितने भी मुलाजिम है कल उनकी पहली फुर्सत में छुट्टी कराओ। आखिर कितनी तनख्वाहें मुलाजमों की, ये दोनों बहनें किस लिए हैं? वहां में तो पूरा घर संभालती थी ना, यहाँ भी संभाल लेती, नहीं चाहिए हमें मुलाजिम। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं, अभी अभी शादी हुई है, मेरे ससुराल वालों का आना जाना रहेगा और ये चाहते हैं कि नौकरों को निकाल दो। अभी किसी को निकालने की कोई जरूरत नहीं, और अभी तो बड़ी सी एक दावत करनी है मेरे ससुराल वालों की। लो भाई एक और खर्चा। तू क्यों जल रहा है, तेरी जेब से निकल रहा है? क्या हो गया, किस अंदाज से भाई से बात कर रही हो? कल वलीमे के फंक्शन में देखा था कैसे पटर पटर बात कर रही थी, ऐसी होती हैं दुल्हनें। आज कल ना जमाना बदल गया, अब पहले की तरह दुल्हनें मुंह पर टेप लगा कर नहीं बैठती, जिसके जो दिल में आता है वो बोल लेता है। ऐसा भी क्या गलत बात कर दी थी मैंने? तुम बदल गई हो, हम ऐसे ही ठीक हैं। अच्छा इन सारी बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जल्दी से कल की दावत का हिसाब किताब करो, और मैं तो कह रही हूँ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना मंगवाएं, बल्कि अपने लॉन में बारबेक्यू कर लेते। एक और खर्चा। अरे ये खर्चा रोज रोज थोड़ी करना है, एक बार ही तो करना है, उसके ससुराल वाले एक बार ही आएंगे। मैं कह देती हूँ कल मेरे ससुराल वाले पहली बार इस घर में आ रहे हैं, और दावत बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत शानदार, किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। और बीजान को पुराने वाले घर में भेज दीजिएगा, मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों के सामने वो आए। क्या हो गया तुम्हें, बीजान को पता चलेगा तो हंगामा खड़ा कर देंगी, कभी नहीं मानेंगी। कितने लोग होंगे? कुछ ज्यादा नहीं, बस मेरे ससुराल वालों को मिलाकर यही कोई 50-60 लोग। 50-60 लोग? अरे तो क्या हो गया तुम्हें, ऐसे चौंक रहे हो, पता नहीं क्या हो गया, रोज रोज थोड़ी आएंगे, एक बार ही आएंगे ना। अम्मा देखो ये ज्यादती हो रही है, बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, मैंने भी कारोबार करना है, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अरे कारोबार का भी बंदोबस्त हो जाएगा, क्यों फिक्र कर रहे हैं? अरे कहां से होगा बंदोबस्त, सारी जमा पूंजी आपने इस शादी पे लगा दी है, जेवर भी अपना सारा दे दिया है इसको। जेवर अम्मा ने मेरे लिए बनवा कर रखा था, तू क्यों जल रहा है? किरण तुम बहुत खुदगर्ज होती जा रही हो,
तो मैं अपने भाई का कोई एहसास नहीं है, इकलौता भाई हूँ मैं तुम्हारा, सारा कुछ खुद खा जाओगी मतलब खर्च कर दोगी तो मैं कारोबार कैसे करूंगा। अम्मा मैं साफ साफ कह देती हूँ, कल मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, बहुत अच्छे से इंतजाम होना चाहिए। बढ़िया है। अच्छा ये तो ये सही तरह से इंतजाम कर, सब हो जाएगा ना, फिक्रमंद। ये ज्यादती कर रही है मेरे साथ। अरे मुझे हिसाब बता पूरा करके। हाँ बस अभी शादी की थकन उतरी नहीं थी कि उन्होंने मकलावे की दावत रख ली। हमें क्या फारिग और फजूल लोग हैं, शादी पे क्या कम रस्में की थी जो एक नया सोचा छोड़ दिया इन लोगों ने। वैसे भी वो कोई छोटी मोटी दावत नहीं रख रहे बेटा, 40-50 लोगों को बुलाया है उन्होंने। किरण की वालदा तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों को भी इनवाइट कर रही थी, लेकिन मैं इसके हक में नहीं है। मैं नहीं आ पाऊंगी, आई एम सॉरी। बेटा बुरी बात है, जरबाब को बहुत बुरा लगेगा अगर तुम नहीं जाओगे तो। किरण के मैके वाले 100 सवाल करेंगे, आखिर तुम उसकी बड़ी बहन हो ना। क्या फायदा बड़ी बहन होने का जब अपने भाई इज्जत ना करे। अम्मी मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। एक तो तुम छोटी छोटी बातों को ना दिल पे ले लेती हो बेटा। अम्मी उस औरत ने मेरे शौहर के सामने बेइज्जती की और आप लोग चुपचाप खड़े सुनते रहे। और जुहेब उसने कल क्या किया। अम्मी जब अपने भाई बेमुरव्वत हो जाए तो दूसरों से इंसान क्या शिकवा करेगा। बेटा गुस्सा थूक दो और चलने की तैयारी करो, तुम इस घर की बड़ी बेटी हो, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा सोचूंगी। बेटा सोचना नहीं है, चलने की तैयारी करनी है। और मैं उनसे कह दूंगी कि दावत में सिर्फ हम लोग आएंगे, ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे शो ऑफ करते हैं। ठीक है शाबाश, अल्लाह हाफिज बेटा। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।